दौसा में नाथ संप्रदाय ने निकाली रैली। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति, का इससे हमारी धार्मिक भावनाएं हो रही हैं आहत। गुरु गोरखनाथ जी का यह है अपमान। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया को नाथ समाज के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन करने की मांग। शब्द के इस्तेमाल पर बैन नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। नाथ संप्रदाय ने विशाल बाइक रैली निकालकर किया गोरख धंधे शब्द पर बैन की मांग। वहीं नाथ संप्रदाय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपनी बाइक रैली को छोटे स्तर पर किया है। नाथ संप्रदाय व सनातन धर्म के गुरु गोरखनाथ जी के नाम को गलत कार्यों से जोड़ने के विरोध व गोरख धंधे शब्द पर बैन की मांग को लेकर नाथ संप्रदाय के लोगों ने दौसा में मीन भगवान मंदिर से विशाल बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया को ज्ञापन सौंपा। नाथ समाज के नेता विनोद पिलोड़ी ने बताया कि गुरु गोरखनाथ जी हमारे गुरु हैं और आदर्श हैं, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। गोरखनाथ जी को शिव अवतारी भी कहा जाता है, जिनका नाम आज गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। इससे समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए इस शब्द पर पूर्णतया बैन हो, प्रयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो। अगर दोबारा पुनरावृत्ति होती है तो विधानसभा स्तर पर आंदोलन होगा, जिसका समस्त जिम्मेदार प्रशासन होगा। 24 जुलाई को संपूर्ण भारत में बाइक रैली की जाएगी। इसमें नाथ समाज के युवा व नाथ समाज बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। इस दौरान सौरव झूठाड़ा, रघुवीर महुआ, घनश्याम योगी, राजेंद्र अरनिया, हरिओम योगी, शिवचरण योगी, भगवान साह योगी, महावीर योगी, राहुल योगी, महेश योगी, महेंद्र चिड़ावा, शिवराम दुबी, जनक राज मीणा, रोहितास बंसीवाल, नानक राम योगी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो हमारे महागुरु है गुरु गोरखनाथ जी, उनके उनके नाम को गलत कार्यों से लगातार जोड़ा जा रहा है। हम बार बार उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार जोड़ा जा रहा है। पहले हमने एसडीएम साहब को यह ज्ञापन दिया था, हमने ये बताया था भाई इसको दोबारा पुनरावृत्ति होगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा जोड़ दिया। गोरख जी हमारे गुरु थे और ये गलत कार्यों को गोरख धंधे संबोधित करते हैं और वो हमारे गुरु का नाम है। ये हमारा विरोध है और हमारी ये मांग है। कलेक्टर साहब को हम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। ये हमारी मांग है कि इस शब्द के ऊपर कोई भी उपयोग करे इसका तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और इस शब्द के ऊपर किसी भी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या कोई संस्थान इस चीज का उपयोग करता है तो उसके ऊपर बैन हो, ऐसी हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं। पूरी तरह बैन कराना चाहते हैं। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा को यहाँ प्रोग्राम रहता है, इसलिए हमने 24 तारीख को प्रोग्राम नहीं किया। बाकी अपेतु पूरे विश्व में सभी नाथ संप्रदाय के अलग अलग जिलों में और अलग अलग राज्यों में इस चीज को लेकर बड़े आंदोलन और बाइक रैली निकाली जा रही है 24 तारीख को। हमने यहाँ से दौसा के राजस्थान के दौसा से इसका शुभारंभ हुआ है जो हमने आज किया है। सर कहीं भाषा विभाग को लेकर के भी आपका विरोध है कि राजस्थान विधानसभा में बिल पारित हुआ है उसको भाषा विभाग ने अटका रखा है, क्यों? भाषा विभाग को वो लेटर भेज रखा है लेकिन वो बार बार इस चीज को देखते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, ये उनकी कमी है। अगर अब की बार हमने आंदोलन करके उनको अवगत करा दिया, अब की बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम विधानसभा स्तर पर या फिर जयपुर स्तर पर, राज्य स्तर पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, और अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम दिल्ली तक इसके लिए लड़ेंगे, इस शब्द को बैन कराएंगे। विनोद बिलोड़ी पूरा Thank you.
गोरख धंधा शब्द इसलिए हमारे को ये दोबारा आंदोलन करना। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये शब्द जो है गलत जगह जोड़ रखा है, जबकि गोरखनाथ जी का इतिहास है डू इज कैन अबाउट गॉड इज लव, यानी हमारे वो भगवान है, ये सारी दुनिया के भगवान है, भगवान शिव और गोरखनाथ जी जो है एक अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, न कि एक आम आदमी की तरह। और जो वो आम आदमी की तरह उनको एक गलत जगह जोड़ दिया कि भाई ये गोरख धंधा है, तो गोरख धंधा बलात्कार के साथ में भी लगा रखा है। तो इसलिए हमारे को दुख है इस बात का कि जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं और जो उनकी प्रजातंत्र में प्रजा है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी दुखित बात है। और ये बड़े दुख के साथ में कह रहे हैं कि अगर कोई बलात्कार के साथ में कोई गलत नाम जोड़ा जाए तो वो उसका कर्म है, वो कर्म के साथ में जैसे आसाराम है वो जुड़ते हैं। लेकिन ये गलत बात है कि जो अवतार हुए हैं हमारे शिव और गोरक्ष का जो अवतार है वो पहला भगवान शंकर का है, दूसरा जिसने सरस्वती की रचना की है उसने पंथ चलाया है, ये गोरखनाथ जी ने जो हमारा पंथ चलाया है उसके लिए हम जरा भी ठेस अगर हमारे को लगती है तो वो हम सरकार से लड़ने का अपना हक और अधिकार समझते हैं। जबकि ये नहीं होना चाहिए प्रजातंत्र में कि किसी को भी गलत यानी अवतारों के बारे में महिमा जिनकी स्तुति हुई है और उनके बारे में ऐसी ठेस पहुंचाते हैं कि गोरख धंधा ये गोरख धंधा क्या सभी के साथ में गोरख धंधा, ये गलत है। व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस यू आर थिंकिंग बाय वैल्यूर बी बेटर इन द माइंड मिस्टेक अबाउट टू टेक द बोर्ड। नाम बताओ। मैं धन्नालाल योगी ठीकरिया है। जो लड़ाई किसी दौलत की या किसी जमीन की या किसी अधिकार की नहीं, बल्कि एक शब्द को हमारे जो बोलचाल या आमतौर पर जो पत्रांक या पत्र लिखे जाते हैं उसमें इस्तेमाल को बैन करने की लड़ाई है। ये शब्द है गोरख धंधा, जिसका मतलब होता है गलत कार्य, अनैतिक कार्य। लेकिन नाथ संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं उनका कहना है कि ये जो शब्द है ये कहीं ना कहीं गोरखनाथ जी जो अवतार के रूप में, शंकर के अवतार के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनका अपमान है। आज इस बात को लेकर के दौसा में विशाल एक रैली निकाली गई है और सरकार से कहीं ना कहीं ये मांग की जा रही है कि ये जो शब्द है इसको पूरी तरह से बैन किया जाए, चाहे वो बोलचाल हो चाहे सरकारी कार्यालय में हो। हमारे साथ है नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति, जिनसे बात करेंगे। भाई आप क्या चाहते हैं आज, जैसे आपने ये रैली निकाली? ये हम ये चाहते हैं कि ये पूरे भारत देश में जहाँ भी ये अनैतिक जो शब्द है ये गोरखनाथ जी के लिए बहुत एक हमारे लिए बहुत ठेस पहुँचाने वाली बात है कि जिसको ये गोरखनाथ जी के नाम को एक अनैतिक जगह लगा करके और उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये गोरख धंधा ये गोरख धंधा समझ में अगर किसी को नहीं आता हो तो वो अच्छी तरह पूछ करके फिर उसको सबको जोड़े, उसमें क्या कमी है? वाट इज वी आर टू रेफरेंस एंड दिस वेरी टू बी लाइफ। उनकी लाइफ में उन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं, उनकी उपासना चल रही है, उनका संत पंथ चल रहा है और गृहस्थी लोग जो हैं हम सारे गृहस्थी हैं, लेकिन हम आज भी उनको अपना भगवान मानते हैं। तो भगवान मानने वाले जितने भी जो सिद्धांत हैं, जितने भी मतांतर हैं, जैसे रामदास राम जी की अयोध्या में हुआ, तो वो सभी जगह अपनी अपनी जगह प्रतिष्ठा है, हनुमान जी प्रतिष्ठा। तो उनको ठेस नहीं पहुँचाते, हम जो है चाहते हैं ये बिल्कुल बैन होना चाहिए, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे बैन होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट का काम हो, चाहे वो कचहरी का काम हो, चाहे वो किसी के बलात्कार का काम हो, लेकिन वहाँ ये शब्द हमारा बिल्कुल कामयाब नहीं होना चाहिए। तो आपने अभी तक जैसे कहाँ कहाँ कार्रवाई की, किस तरह की कार्रवाई की? ये हमारे कार्रवाई अभी हमने जयपुर की थी, तो उसमें अभी हम उसमें क्या है आगे रखे और उन्होंने आगे ध्यान नहीं दिया, तो हमको ये क्या उग्र आंदोलन करने का तैयार मजबूर करना पड़ा। और भी पदाधिकारी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई जैसे आप लोग कहाँ कहाँ इस कार्रवाई को कर चुके हैं और कहाँ तक पहुँची है? पहले हमने विधानसभा में एक लेटर के, एक विज्ञप्ति के थ्रू हमने एक लेटर लगाया था, उसमें भाषा विभाग ने और विधानसभा में भी ये बिल पारित हुआ था। इसके बावजूद भी लोग विधानसभा से निकाल रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया संस्थान उसको यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमने पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एसडी ब्लॉक उपखंड स्तर पर एसडीएम को ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी हमारी नहीं सुनी गई। उसके बाद में हमने आज जिला स्तर पर यहाँ से शुरुआत की दौसा से। इसके अलावा 24 तारीख के दिन गुरु पूर्णिमा है, हमारे गुरु जी का वार है, उस दिन पूरे विश्व में सभी राज्यों में अलग अलग जगह पे बाइक रैलियों के माध्यम से नाथ समाज के युवा एक आक्रोश रैली के रूप में निकाल रहे हैं। और हम ये हमारी ये मांग है कि इस शब्द पर बैन होना चाहिए। किसी भी धर्म विशेष के गुरु के नाम के साथ गलत कार्य को जोड़ना एक गलत आता है, ये किसी का अपमान को ठेस पहुंचाना है। इसलिए हमारी ये मांग है कि इस शब्द को बैन किया जाए और इसका अगर कोई यूज करता है या प्रयोग करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। यानी ये लड़ाई है एक शब्द को लेकर के और वो लड़ाई है शब्द को बैन करने के लिए,
यानी कहीं ना कहीं इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि गोरख धंधा शब्द जो है वो कहीं ना कहीं गोरखनाथ जी के नाम को अपमानित करता है, ठेस पहुंचाता है। अब सरकार इसे पूरी तरह से बैन करे, चाहे सरकारी कार्यालय हो या निजी स्तर पर प्रयोग किया जा रहा हो। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दोस्तों। समाज जिंदाबाद, योगी समाज जिंदाबाद, योगी समाज जिंदाबाद।